तो ये जी हमारा OnePlus 7T, और आज हम चेक करने वाले हैं इसके कैमरा में क्या कुछ खास चीज़ें हैं, तो डिटेल में देख लेते हैं पहले। और ये कैमरा ओपन होता है, सबसे पहले कैमरा ओपन होने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे सबसे ऊपर टाइमर का ऑप्शन मिलेगा। टाइमर के बाद आप एस्पेक्ट रेशियो चेंज कर सकते हैं, और एस्पेक्ट रेशियो में आपको तीन ऑप्शन मिलने वाले हैं, एक फुल स्क्रीन का, एक 1:1 का, एक 4:3 का। और इसके बाद फ्लैश इनेबल कर सकते हो, डिसेबल कर सकते हो, और हमेशा के लिए ऑन कर सकते हो। एंड थर्ड थिंग इज़ ये मैक्रो के लिए है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो मैं मतलब अगर मैक्रो की बात करूँ तो इसके लिए एक मैक्रो ऑब्जेक्ट चाहिए, जिसकी देखो ये साफ साफ बोल रहा है कि गेट क्लोजर टू द मैक्रो। तो मैक्रो के लिए क्या चले, मकड़ी ढूंढ तो नहीं सकते, बट अगर मैं बात करूँ इस वायर की, देख लेते हैं, और ये खींच लेता है फोटो शानदार अपने आप। और मैक्रो की बात हो गई है, मैक्रो के अलावा अगर मैं बात करूँ इसमें, यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्मल मोड, 1x मोड, और जो होगा आपका वाइड एंगल। तो चलिए मैं थोड़ा बाहर आपको व्यू से दिखा देता हूँ, थोड़ा आइडिया अच्छे से लग जाएगा कि ये जो है वाइड एंगल है, ये वाला जो है नॉर्मल है, और ये वाला 2x जूम है। अभी दिखाता हूँ आपको, 2x जूम में फोकस नहीं कर पा रहा है अभी, ये थोड़ा नीचे कर लेते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, या फिर एक काम करते हैं गाड़ी फोकस करते हैं। ये 2x जूम है, ये 1x, एंड ये वाइड एंगल। बाकी एक काम करता हूँ, मैं एक सैंपल कैप्चर कर लेता हूँ इन तीनों के, वो भी दिखा देता हूँ आपको। ये नॉर्मल और ये 2x, तो थोड़ा फोकस नहीं हो पा रहा है क्योंकि एक हाथ से वीडियो बना रहा हूँ मैं और एक हाथ से आपके सामने चीज़ें। तो देखो डिटेलिंग में जो डिफरेंस आएगा, इसके लिए अभी डिटेल पे नहीं जाते, अभी जा रहे हैं सिर्फ कि कवरेज पे जो है। तो ये आपका 2x, ये 1x, और ये वाइड एंगल। वाइड एंगल में आप जो एक चीज़ थोड़े से अजीब देखोगे वो ये वाली नॉर्मल सभी कैमराज में होती है, जो यहाँ से थोड़ा राउंड सा आपको कॉर्नर जो है राउंड मिलने वाले हैं, वो नॉर्मल आजकल सभी कैमरा में होते हैं। कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि इसका कोई अलग से चलने वाला है। और यहाँ पे आप फ्रंट कैमरा ऑन कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं, और ये गैलरी में जा सकते हैं। और अगर मैं यहाँ बात करता हूँ तो एक वीडियो का मोड मिल जाता है आपको, और इधर पोर्ट्रेट का मोड मिल जाता है। पोर्ट्रेट के बाद एक नाइट स्केप भी इसमें मिलता है, जो 5T या 6T जो मैं यूज़ कर रहा हूँ 5T में, वहाँ पे नहीं मिलता है मेरे को। तो पोर्ट्रेट की बात बाद में करेंगे, कुछ सैंपल्स जो होंगे वो भी मैं एक सेकंड वीडियो में पोस्ट करने वाला हूँ इसके। यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ पे एक वीडियो मोड है, फोटो मोड है, पोर्ट्रेट मोड है, नाइट स्केप मोड है, जिसका एक शॉर्टकट भी डायरेक्ट दिया हुआ है, प्रो मोड है, प्रो मोड और टाइम लैप्स। के बाद यहाँ पे पैनोरमा, स्लो मोशन और सेटिंग्स देख सकते हैं। तो मैं सेटिंग्स की पहले बात कर लेता हूँ। सबसे पहले सेटिंग्स में क्या कुछ मिलने वाला है, कस्टम मोड्स की प्रेफर मोड, स्लो ऑन, स्पेस स्क्रीन, कुछ नहीं, अल्ट्रा वाइड लेंस करेक्शन इसको ऑन कर सकते हैं, मैनुअल HDR कंट्रोल इसको ऑन कर सकते हैं, स्मार्ट कंटेंट डिटेक्शन इसको ऑन ऑफ किया जा सकता है, लोकेशन डेटा पूछ रहा है कहाँ पे कर सकते हो आप, शटर साउंड कौन सा रहेगा, ग्रिड, ग्रिड का भी ऑप्शन है इसमें आप देख सकते हो। यहाँ पे ये वाले कुछ ग्रिड में आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। और मिरर फोटो सेल्फी के लिए, और वाटरमार्क अगर ऐड करना OnePlus का तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ट्राइपॉड लॉन्ग एक्सपोजर शॉट लेने हो, जब आप ट्राइपॉड यूज़ कर रहे हैं तब भी इसको लगा सकते हैं, हिस्टोग्राम वगैरह देख सकते हैं। और साथ में कुछ और अगर आप देखेंगे ना, एक चीज़ आपने शायद नोटिस की या नहीं की पता नहीं, लेकिन इसमें वीडियो और फोटो दोनों की सेटिंग्स में आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, लाइक कि मेगापिक्सल जो है वो आप चेंज नहीं कर सकते। अगर मैं, हाँ यहाँ पे कुछ कुछ दिया हुआ है, तो वीडियो में कुछ ऐसा ऑप्शन नहीं मिल रहा हमें। पोर्ट्रेट नाइटस्केप बस मोड्स ऐड कर सकते हैं, ये कस्टम बेसिकली मेरे को लगा था कि कस्टम चेंज करने के लिए, कस्टम में सिर्फ ये आपको ये वाले जो बटन्स है ना, इनको आप कस्टमाइज कर सकते हो जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है। लाइक कि अगर आपको पोर्ट्रेट वगैरह नहीं खींचने होते तो यहाँ पे आप पेनोरमा वगैरह ऐड कर सकते हैं, जिससे कुछ अच्छे सीन्स आपको मिल जाएं। तो बाकी कैमरा का डिटेल मैंने बताई दिया आपको, स्लो मोशन वगैरह सब चीज़ें मैं इसकी एक एक सैंपल लेके कल वीडियो में पोस्ट करने वाला हूँ। थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।